तो बात क्या कर रहे थे कि माता ने पेड़ बोया, संकल्प किया, पहला ही फल बाबा को स्वीकार करा उनके अपने हाथों से। बड़ी भावना वाली माता। आखिर वो दिन आया जब पेड़ पर 2.5 किलो का पपीता आया, फुल साइज इतना मोटा, आधा पका था आधा कच्चा। माता ने अखबार में लपेटा और ट्रेन में बैठ गई, सीधा वो पहुंची। सुबह सुबह जब पहुंची तो बाबा गेट पर खड़े थे। बड़े प्रेम से कहा, बाबा ये पपीता आपके लिए लाई है, बड़ी श्रद्धा से बड़ी भावना से लाई है। जिस दिन बोया था पेड़ उसी दिन संकल्प कर लिया था अपने हाथों से बाबा को खिलाऊंगी। तो बाबा बड़े हैरान हो गए, बच्ची इतनी दूर से तो पपीता लेकर आई खास। कहा चलो बाबा के कमरे में चलो। दोनों चले गए, चाकू खाली आ गए। माता भाव विभोर, बाबा भी भाव विभोर, दोनों के आनंद की सीमा ने चरम सीमा पर आनंद है। वो झूम झूम के काट काट के खिला रही है और बाबा झूम झूम के वाह बच्ची वाह करता हुआ खा रहा है। दोनों की आनंद की चरम सीमा है। जब बदली दादी जी देखा तो तुम थे और हम थे, वही सीन था जैसे बिल्ली ने अपने झूठे दिल श्री राम को खिलाए, जैसे वही सीन पर जो रहा था श्री कृष्ण ने विदुर के घर बैठ कर जमीन पर साग रोटी खाया। ऐसे ही वो झूम झूम के स्वाद ले लेकर के पपीता खा रहे थे। पूरा पपीता फिनिश हो गया, लास्ट में थोड़ा सा बचा। माता ने कहा, बाबा ये थोड़ा सा मुझे भी खिला, लास्ट बचा है। बाबा ने कहा, नहीं बची है तो तुम बाबा के लिए लाई हो ना, तुम्हें दूसरा कुछ खिला दे, इनका पर थोड़ा सा इतना सा। बात पपीते की नहीं थी, बात थी बाबा के हाथ से खाली। बाबा ने बहुत मना किया, माता नहीं मानी, अधिकार से विवश कर दिया बाबा को। इतना सा पपीता बाबा ने जैसे ही माता के मुख में रखा, आपको विश्वास नहीं होगा, उस माता ने बड़ा खराब सा मुंह करा और उसने पपीते को हाथ में वापस ले लिया मुंह से बाहर। पपीता महा महा कड़वा था, अति कड़वा पपीता। अब वो माता तो बिलक बिलक के रोने लगी, ये मेरे हाथों से क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, इतना कड़वा पपीता बाबा मुस्कुराते हुए खा गए, आपके चेहरे पे एक सिकर भी नहीं आई, कैसे खा गए, ये मेरे हाथों से क्या हो गया, मैंने टेस्ट क्यों नहीं किया पहले। उसे बड़ी शर्मिंदगी फील हो रही थी कि उन्होंने क्या कर दिया। ऐसे फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगी बाबा के सामने। बाबा ने उसको बड़ी सांत्वना दी, उसके आंसू पोंछ कर दोनों हाथों में माता का मुंह कैसे पकड़ा और बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, बच्ची पपीता किसने खाया है, पपीता कौन खा रहा था, किसने पपीता खाया है। फिर बाबा ने बड़े काम की बात कही कि बच्ची बाबा तो तुम्हारी मिश्री से भी मीठी भावनाओं का स्वाद ले ले करके एंजॉय कर रहा था, आनंदित हो रहा था, तुम्हारी भावनाएं तो मिश्री से भी मीठी थी बच्ची, बाबा तो उन्हें स्वाद ले रहा था। कितना भूखा है वो मेरी भावनाओं का। आ गए ना आंसू आपकी आंख में, मेरे भी आंख में ऐसे ही आए थे जब मनोहर दादी ने ये किस्सा सुनाया था, ऐसे ही आंसू बहे थे आंख से।